नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। व्यापार मंडल सासाराम के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के 11 सदस्यों को प्रमाण पत्र मिलने के साथ ही सम्मानित किया गया। सासाराम प्रखंड परिसर में नवनिर्वाचित व्यापार मंडल के 11 सदस्यों को समाज सेवी दिनेश सिंह ने सम्मानित किया। इस दौरान दिनेश सिंह के अलावे कई उपस्थित गणमान्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। सासाराम प्रखंड अध्यक्ष भाजपा के उमेश पांडे ने बताया कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के 11 सदस्यों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल सासाराम कार्यकारिणी के 11 सदस्य एक ही पक्ष से हैं। किसानों ने कार्यकारिणी सदस्य से बहुत सारी उम्मीदें रखी हैं। कार्यकारिणी सदस्य दिनेश सिंह उर्फ छोटेलाल ने बताया कि किसानों से किए गए वादे हर हाल में व्यापार मंडल सासाराम के नव निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य पूरा करेंगे। बताया गया कि व्यापार मंडल सासाराम के 5 पैक्सों से कार्यकारिणी सदस्य जीते हैं, जिसमें अशोक सिंह, इंद्रदेव सिंह, कमल किशोर, लाजवंती देवी, विंध्याचल सिंह शामिल हैं। वहीं व्यापार मंडल सासाराम के किसान सदस्य में अजमल हुसैन, अशोक सिंह, दिनेश सिंह उर्फ छोटेलाल, वीरेंद्र तिवारी, मीना चौबे, अरविंद पासवान शामिल हैं। गौरतलब हो कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रोहतास जिला प्रशासन पुलिस ने सासाराम व्यापार मंडल का चुनाव बीते 3 सितंबर को बैलेट पेपर के माध्यम से कराया था, जहां मतगणना के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सासाराम जनार्दन तिवारी ने व्यापार मंडल सासाराम के नव निर्वाचित 11 सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किया। इंद्रदेव सिंह भैया, जो सर्टिफिकेट सासाराम प्रखंड में रंग बिरंगी फूल के माला पहने हुए प्रत्याशी को जो देख रहे हैं, यह व्यापार मंडल का चुनाव है जिसमें 11 कार्यकारिणी निदेशक पद पर चुनाव जीत हासिल कर एक मिसाल कायम किए हैं कि एक पक्ष से कार्यकारिणी का टोटल सदस्य चुनाव जीत चुके हैं। और आशा और उम्मीद है कि किसान के जो समस्या होगी, धान खरीदारी, समय से बीज, उर्वरक, ये सब सभी 11 सदस्य मिलकर किसान की जो समस्या को निराकरण करने में अहम अपना योगदान खून पसीना एक कर जो किसान वोट दिए हैं उसके लिए चुनाव जीत कर और उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। प्रबंध कर एक पक्ष के लोग जीते हुए, क्या लगता है व्यापार मंडल का ये चुनाव 5 साल तक चल पाएगा? निश्चित चलेगा, क्योंकि कलयुग या संविधान से देश चलता है। जिस तरह कार्यकारिणी का मेंबर अधिक रहता है उस तरह उसका सरकार चलता है, और निश्चित 5 साल तक सरकार चलेगा इसमें किंतु परंतु। और किसान को भी यह मतभेद नहीं होना चाहिए कि हमारा जो अस्थायी सदस्य का हम चयन किए हैं 5 साल के लिए, और 11 सदस्य मिलकर निश्चित 5 साल तक किसान के जो उम्मीद है, आशा है, उस पर निखरने का काम करेंगे। मेरा नाम उमेश पांडे, बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष। सासाराम व्यापार मंडल का चुनाव हुआ है, ये सारे प्रबंधकारिणी के 11 मेंबर अपना जीत का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। कितने लोग हैं? 11 सदस्य जीते हुए हैं। दिनेश सिंह और छोटेलाल सिंह। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।